कराची जे इत्साब अदालत में पेशी जे मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डॉक्टर आसिम जो चवण हो त गुलिस्तान जौहर में औरतुनि ते हमिलो कंदड़ मज़बूत टोलो आहे, जंहिंजो मक़सदु खौफ़ पकड़णु आहे। हुन चयो त हुकूमत कुझु माण्हुनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। औरतुनि ते हमिला मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण बराबरि आहे। डॉक्टर आसिम चयो त छुरियुनि जे हमिले वारे वाक्यनि पुठियां यकीनी तौर ते हिकु टोलो मुलवस आहे, जॾहिं त उन पोयां नफ़्सियाती मामिलो बि थी सघे थो। हुन चयो त नवाज़ शरीफ़ फ़ौज ऐं अदलिया ते हमिला करे पियो, जंहिं करे चयो त मुल्क टोड़े पियो। बात यह है कि जब आप मुल्क के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट करते हैं तो उससे क्या साबित होता है। मतलब फौज एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं जो कि एक स्टेट की पिलर्स हैं। इट्स अ पिलर ऑफ अ स्टेट। डॉक्टर आसिम चयो तो नवाज शरीफ समूर इदान ते तनकीद करे तो पर नेब के गाल न तो दे। आप अगर नहीं लड़ रहे तो नैब से नहीं लड़ रहे, क्योंकि नैब आपका इदारा है। आपने उनको देखा कि नैब को गालियां देते हुए या नैब से नाइंसाफी करते हुए तो नैब को बुरा भला नहीं बोलते। संस चवण होता साणस जेको कयो पियो वने वो कुछ मानन सबब कयो वियो। इनका घरोबार तो है ही बाहर, इनकी दौलत और जायदाद है बाहर, ये तो अपने उसमें घूम रहे हैं ना, तो दे आर गोइंग बैक और ये हिजरत फिर कर जाएंगे चाहे कोई भी मुल्क। मेरे साथ जो जाती थी वो लोगों की थी, वो लोगों की ज़्यादा याद थी। मेरे पे जो कुछ जुल्म ज़्यादा हुई वो लोगों की वजह से हुई, इंडिविजुअल्स की वजह से हुई, एंड दोज इंडिविजुअल्स मस्ट बी टेकन टू टास्क। डॉक्टर आसिम चयो त खेस हिते ही रहणो आहे, शरीफ खानदान फरार थी वेंदो जॾहिं त संदसि मिल्कियत बि परॾे में आहे।